गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मॉर्निंग सर. हैव ए गुड डे. हाउ आर यू? फाइन सर. थैंक यू. सिट डाउन. होप ऑल आर यू फाइन. टुडे वी विल डिस्कस सिंपल पास्ट. इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट. इजंट इट? दैट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक्टिव पैसिव. ऑल फॉर्म्स वी हैव कंप्लीटेड. टुडे सेकंड स्टेप दैट इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. फॉर हैविंग थ्री फॉर्म ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. सो हियर सेकेंड फॉर्म, हु कैन टेल एग्जाम्पल? नो वन. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट. क्लियर? सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स. क्लियर? यस और नो? ऑल आफ्टर द पर्सन्स और सब्जेक्ट वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट. वी एट, यू एट, सी सैंग, दे डांस्ड, द चिल्ड्रेन रोट, अनीश क्राइड, वर्षा लाफ्ड, वी सेलिब्रेटेड. लाइक दिस आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ब विल बी वी टू. क्लियर? व्हेन यू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट डिड नॉट, वी टू चेंज इनटू वी वन. हाउ वी कैन चेंज दिस वन? आई डिड नॉट. ओके. व्हेन सिंपल पास्ट इज चेंज इनटू नेगेटिव, द वी टू चेंज इनटू वी वन. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिड. डू चेंज इनटू डिड. क्लियर? वी डांस्ड, वी डिड नॉट डांस. द चाइल्ड क्राइड, द चाइल्ड डिड नॉट क्राई. द प्रिंसिपल टोल्ड, द प्रिंसिपल डिड नॉट टेल. अर्चिता लुक्ड, अर्चिता डिड नॉट लुक. क्लियर? लाइक दिस इट इज कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव. थर्ड स्टेप इंट्रोगेटिव. हाउ इट इज? डिड सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट. हाउ वी कैन चेंज आई एट ट्राइज इन टू इंट्रोगेटिव? हु कैन टेल? सतीश टेल. यस. डिड आई वी वन क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क. डिड आई इट राइस? यू टोल्ड ए स्टोरी. डिड यू टेल ए स्टोरी? आई ड्रांक वाटर. डिड आई ड्रिंक वाटर? सुचित्रा गेव मी ए गिफ्ट. डिड सुचित्रा गिव मी ए गिफ्ट? पार्थ वेट सीरियसली. डिड पार्थ वीप सीरियसली? लाइक दिस देन क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव. हाउ इज इट? डिड सब्जेक्ट नॉट वी वन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. हु कैन टेल? सेम थिंग. डिड आई नॉट ईट राइस? लाइक दिस. और डिड नॉट आई ईट राइस? बोथ आर करेक्ट. वी कैन पुट डिड आफ्टर नॉट और सब्जेक्ट आफ्टर नॉट. क्लियर? डिड नॉट आई ईट राइस और डिड आई नॉट ईट राइस? बोथ आर राइट. अप टू दिस ऑल ऑफ यू क्लियर? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव. क्लियर नो? नेक्स्ट वन विल चेंज इन टू एक्टिव टू पैसिव. दिस इज कॉल्ड योर एक्टिव वॉइस. दिस इज कॉल्ड योर पैसिव वॉइस. ऑलरेडी आई टोल्ड एक्टिव सब्जेक्ट बिकम पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट बिकम पैसिव सब्जेक्ट.
isn't it? So how it is? Example, you see, I ate rice. Subject, V2, object, active voice. Change into rice. Clear? Here rice, object, become here subject. I subject, become here object. Followed by was, where. Followed by V3, V2 become V3 by object. You have to remember that every time in passive voice, verb will be third form. Everywhere, every time. Whether it is a simple, present, past or future, imperfect, perfect or perfect continuous, everywhere, verb will be third form. Okay. Then, how can we change interrogative to interrogative active to interrogative passive? Did I eat rice? It is active interrogative. Change into passive. Who can tell? This is active interrogative. How can I change into passive? Was rice eaten by me? How? When you see the interrogative sentence is there. If you are in confusion, what will you do? You remove the did. What happened? I ate rice. Yes or no? For easy understanding. You remove the did. I ate rice, it is present, a simple past. Change into passive. What will happen? Rice is. Rice was eaten by me. Clear or no? It is interrogative having yet become it. Was changed into, clear or no? Understanding? When we did using, it is it. As did come to first, become interrogative one. Was come to first, become interrogative one. Clear? Again, another example you see. Did we read this book? Active passive. Isn't it? This is active tense. How can I do? You remove the did. It is maybe present tense or past tense now, but written did here. So you keep in bracket. We read this book. Passive is, this book was read by. So as did is here, interrogative, was will be here in interrogative. Clear? Understood or no? Loudly. Yes, sir. Why I will tell loudly? If you understood, then tell. Means I am forcing you, I think. Next question, you see. They played football. Change into passive. Who can tell? Only two girls, Borsa, tell. Football was played by. Played by them. Yes or no? Clear, it is called active, it is called your passive. When we make it interrogative, what will happen? Did they play football? Isn't it? Then was football played by them. Clear? How it is very interesting to do it with a very simple way. Another question for you. Did he
told a story. Change into passive. Who can answer quick? Did he tell a story? Who can tell? Orchita? Was a story told by subject and object. First we have to identify in the sentence subject and object. Take the object first, a story. A story was told by, so was will be in the first. Tell become told. Understood? Understood no? Up to this all of understood or no? Yes sir. Very good. So with this we have to complete simple past tense with its all verbs. Clear? Thank you all. Have a nice day.